Morning students, myself Bhumi Patel from Ganpati School, Jai Sri Swaminarayan. Today we will start a new chapter in class 8 English medium, coal and petroleum. All of you have heard about coal also. In petroleum, petrol, diesel, natural gas, CNG, PNG, LPG used in our homes is petroleum product. In addition to this, lubricant oils, उसके बाद हम वो भी use करते हैं अपने mom, या उसको wax, वो भी petroleum product के अंदर ही balls is a petroleum product. Okay, so we'll start our new chapter coal and petroleum. We use various materials for our basic needs. हम अलग अलग material इस्तेमाल करते हैं. Some of them are found in nature. And some have been made by human efforts. कुछ कुछ human efforts से मिले हैं, कुछ कुछ nature और जो भी material से मिलता है, वो या तो फिर हम nature होता है, या तो फिर man-made human efforts से. तो coal and petrol जो है वो man-made नहीं है, but natural है, but उसमें petrol, diesel, kerosene वो सब तो अलग करना है, वो process man-made है. Okay? तो यहाँ पे अलग अलग मटेरियल जो हमने बहुत सारा आगे भी मटेरियल वाले चैप्टर में देखा है, कौन सा नेचर है, कौन सा मैनमेड है, वो भी देखा है. प्लास्टिक वो सब मैनमेड है. डस दिस लिस्ट इंक्लूड एयर वाटर सॉइल मिनरल्स? यस, एयर वाटर सॉइल मिनरल्स हीट इज अ नेचुरल. ठीक है, मतलब सनलाइट नेचुरल है. ठीक है, तो हमें नेचर में से मिले उसको बोलते हैं नेचुरल रिसोर्सेस. क्या होते हैं नेचर में से जो चीजें मिले हैं? चैप्टर 14 आएगा अगले साल 9th में. ठीक है, उसका यही नाम है नेचुरल रिसोर्सेस, उसके बारे में पढ़ेंगे. कैन एयर वाटर एंड सॉइल बी एग्जॉस्टेड बाय ह्यूमन एक्टिविटीज? यस, वो एग्जॉस्ट खत्म तो नहीं हो जाएगी, बट वो स्पॉइल हो जाएगी, हमारे यूजेबल फॉर्म में रहेगी नहीं. You have already studied about water in class 7. Class 7 में water के बारे में आता, water pollution के बारे में आता था. वो सब चीजें तो free है, air, water, sunlight free है. ठीक है, but air and water soil, वो तीनों का pollution हमें बहुत ही नुकसान कर सकता है. तो limitless resource नहीं है वैसे. In the light of availability of various resources in nature, natural resources can be broadly classified into two kinds. नेचुरल रिसोर्सेज को दो काइंड में अलग अलग करते हैं. ठीक है, पहला है इन एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज, इन नेचुरल रिसोर्सेज, एंड दूसरा एग्जॉस्टेबल नेचुरल. तो यहाँ पे नेचुरल रिसोर्सेस को दो मेन ब्रॉड कैटेगरी में डिवाइड किया गया है. ठीक है, एग्जॉस्टेबल एंड इन एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेस. ओके, तो सबसे पहले इन एग्जॉस्टेबल की बात करते हैं. इन एग्जॉस्टेबल मतलब जो कभी खत्म नहीं होंगे. ठीक है, वो फ्यूचर नियर फ्यूचर में कभी खत्म होने का नाम नहीं लेंगे, वो है इन एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेस. दीज रिसोर्सेज आर प्रेजेंट इन अनलिमिटेड क्वांटिटी इन नेचर. Unlimited, inexhaustible, unlimited, are not likely to be exhausted by human activities. Examples: sunlight, air, water, water भी है. ठीक है, but जो पीने लायक पानी बहुत ही limited है, बाकी पानी की कोई कमी नहीं है, तो वो inexhaustible natural resource है. ठीक है, जो near future में कभी नहीं खत्म होगा, जिसको हम बोलते हैं इनएक्सॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्स. ओके, अब बात करेंगे एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज. ये एग्जॉस्ट मतलब जो खत्म हो जाएंगे. ठीक है, द अमाउंट ऑफ दिस रिसोर्सेज इन नेचर इज लिमिटेड. मतलब ये कैसे हैं लिमिटेड, ये कैसे थे अनलिमिटेड. भगवान हमें ये सब लिमिटेड क्वांटिटी में देता है, एग्जॉस्टेबल कभी खत्म हो जाएंगे, एंड इन एग्जॉस्टेबल
एग्जॉस्टेड बाय ह्यूमन एक्टिविटी, अगर हमने उसको ह्यूमन एक्टिविटी बना उन्हें एक्सरसाइज कर लिया तो वो तो भी कभी ना कभी तो खत्म होने ही वाला है, ठीक है। एग्जाम्पल ऑफ दीज रिसोर्सेज आर फॉरेस्ट, पेट्रोलियम जो हमारा चैप्टर है वो एक टाइप का एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्स है, ठीक है। वाइल्ड लाइफ बहुत लिस्ट लंबी है, वाइल्ड लाइफ के बाद में मिनरल्स, नेचुरल गैस, नेचुरल गैस को अलग इसलिए रखा है कि नेचुरल गैस पेट्रोलियम प्रोडक्ट में से भी मिलता है, पेट्रोलियम के ऊपर ही पाया जाता है, उसका जो हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करते हैं तभी ये नेचुरल गैस मिलता है, अलग से भी हमें कहीं जगह ऐसे रिजर्वर है वहां से हमें नेचुरल गैस फ्री फॉर्म में मिले, जिसमें एलपीजी सीएनजी एंड पीएनजी के तरीके, एलपीजी लिक्विफाइड नेचुरल गैस, सीएनजी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, जो कि सीएनजी कार है, बाइक में भी यूज हो सकता है, रिक्शा ऑटो रिक्शा जाती है सीएनजी हो सकती है, ठीक है। तो ये सब कैसा है एग्जॉस्टेबल रिसोर्सेज, तो देयर आर टू ब्रॉडली नेचुरल रिसोर्स आर क्लासिफाइड इनटू टू ब्रॉड कैटेगरीज कॉल्ड एन एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्स इन विच दे आर अनलिमिटेड एंड दे डू नॉट एग्जॉस्ट इन नियर फ्यूचर बाय ह्यूमन एक्टिविटीज, फॉर एग्जाम्पल एयर वाटर सनलाइट। इन द अदर हैंड सेकेंड ग्रुप इज एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज, दे आर लिमिटेड, दे कैन बी एग्जॉस्ट by human activities in near future, for example forest, forest fire में बहुत सुन रहे हैं जनवरी में, ऑस्ट्रेलिया में forest fire होता है, ठीक है। वाइल्ड लाइफ forest fire होता है तो वाइल्ड लाइफ पर असर पड़ता है, बहुत सारे एनिमल वहाँ मर गए, ठीक है। कोआला करके एनिमल है बहुत ही मस्त है, वो वाला बहुत इफेक्ट हुआ है, बैलेंस एटमोसफियर का हमारा जो ग्लोब का अर्थ का बिगड़ रहा है, इससे मिनरल्स, मिनरल्स मतलब ये जो मेटल्स वो सब जो मिल रहा है जमीन में से उसको मिनरल्स बोलते हैं, आयरन है, एल्यूमिनियम, कॉपर, गोल्ड, सिल्वर फॉर एग्जांपल, कोल ऑल्सो, ठीक है, जो पहले ट्रेन में बहुत इस्तेमाल होते थे, अभी ट्रेन इंजिन इलेक्ट्रिक हो गए डीजल इंजन हो गए, बट कोल कोल से पहले स्टीम वगैरह वो सब चलता था, घर में भी बहुत ही अभी भी कोल से जो ठंडे प्रदेश है मतलब जहाँ पर ठंडी बहुत है वहाँ पर कोल से गर्मी दी जाती है घर में। पेट्रोलियम, पेट्रोलियम प्रोडक्ट मैंने बोला पेट्रोल डीजल कैरोसिन वो सब हम इस्तेमाल करते हैं तो वो नियर फ्यूचर में खत्म हो सकते हैं। नेचुरल गैस एलपीजी प्योर फॉर्म का है, पॉल्यूशन बहुत ही कम फैलाता है, जो हम सीएनजी के तरीके हम एलपीजी के तरीके हमारे घर में यूज़ करते हैं वो हमारे घर में एलपीजी लिक्विफाइड नेचुरल गैस गैस वाटर में रेड कलर का इंडियन का उसके अंदर नेचुरल गैस होता है, ठीक है। तो ये दो कैटेगरीज है, ठीक है, इनएग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्स एंड एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्स। ओके, चलो यहाँ पे एक एक्टिविटी जैसा है कि वही अज्यूम दैट इनेबल से कंटेंट प्रेजेंटेड टोटल नेचुरल रिसोर्स और पेट्रोलियम नेचुरल गैस में हैव अ डिफरेंट कंजप्शन पैटर्न और कंसर्न अबाउट। ओके, ये चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं, कोल पेट्रोलियम उसके अलावा नेचुरल गैस के बारे में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो वो चीज़ हमें पढ़नी है यहाँ पे, ठीक है। ये सब चीज़ें हैं हमें कैसे मिली है कि भाई लॉन्ग टाइम अगो, ठीक है, एनिमल्स एंड प्लांट्स, क्या एनिमल्स एंड प्लांट्स बड़ी थाउजेंड्स years ago in soil. They are also known as fossil fuels. Okay? Fossil fuels भी बोलते हैं fuel. Fuel मतलब fuel किसको बोलते हैं, जो हमारा खाना होता है, हमारा नाश्ता है, हमारा दूध है, वो हमारे लिए हमारी body के लिए fuel है. Fuel is fuel को क्या बोलते हैं, fuel किसको बोलते हैं, फ्यूल इज रिगार्डेड एज एनर्जी गिविंग द सब्सटेंस और फूड।
are known as food fuels. For example, milk है हमारा, ठीक है, हमारा नाश्ता है, ठीक है, हमारा खाना है, meals है, मतलब lunch है, dinner है, जो खाना के खाते हैं, energy and growth के लिए वो fuels होते हैं, ठीक है, पर हमारे यहाँ जो machines ना वो सब है वो खाने से नहीं चलेंगे, उसको energy देने के लिए हमें fossil fuels की जरूरत पड़ेगी, कभी कभी electricity की जरूरत पड़ती है, electricity है वो fossil fuels से generate की जाती है, ठीक है, तो ये वाली बात है, तो इसको क्या बोलते हैं, fossil fuels. तो हमने आज क्या क्या देखा, आज हमने अभी चैप्टर का शुरुआत किया है, अगले वीडियो में हम कोल के बारे में पढ़ने वाले हैं, ठीक है, तो अभी यहाँ पे कोल का थोड़ा हम देख लेते हैं कि कोल क्या है. आज हमने वैसे कोल एंड पेट्रोलियम का भी शुरू किया है कि भाई देयर आर टू काइंड्स ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, एग्जॉस्टिबल एंड एग्जॉस्टिबल. उसके अलावा हमें चैप्टर में नेचुरल गैस और पेट्रोलियम के बारे में पढ़ना है, एंड ये बना कैसे, कि एनिमल एंड प्लांट लॉन्ग टाइम अगो, थाउजेंड ईयर्स अगो जमीन में दब गए, तो ड्यू टू अर्थ हीट एंड प्रेशर, हीट एंड प्रेशर से क्या हुआ कि भाई ये नेचुरल गैस या तो फिर कोल एंड पेट्रोलियम में कन्वर्ट हो गए, और उसके लिए थाउजेंड ऑफ ईयर्स लगे, ठीक है, तो ये जो है उनको फॉसिल फ्यूल की बोलते हैं, कोल पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस इज फॉसिल फ्यूल. ओके, अब हम देखते हैं कोल के बारे में. कोल क्या है, हम शुरू कर देते हैं, कोल सबसे पहले पढ़ना है कोल के बारे में. कोल हमें पता है ब्लैक होता है, रॉकी पत्थर जैसा, एंड ब्रिटल भी होता है. ब्रिटल मतलब एकदम आसानी से टूट जाए जैसा भी होता है. यू मे हैव सीन कोल और हर्ड अबाउट इट एज इट इज हार्ड एज स्टोन एंड इज ब्लैक इन कलर. पत्थर जैसा, रॉकी, ब्लैक एंड ब्रिटल होता है, जल्दी टूट जाता है. कोल इज वन ऑफ द फ्यूल्स यूज टू कुक फूड, मतलब उसका काम क्या है, फूड कुक करने के लिए अभी भी इस्तेमाल होता है. बारे में और जानेंगे, तब तक ये वीडियो को देखें एंड समझें नेचर रिसोर्सेज के बारे में.